जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र फौजी। आज सबसे पहले तो मैं हमारे कुछ चूतिया लोग जो कि एक मैसेज को फैला रहे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से जवाब देता हूं, और इसी के साथ इस वीडियो में एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान जिनका एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उनका एक 4 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो का भी मैं जवाब दूंगा। और साथ में ही हमारे जो विंग कमांडर एयरफोर्स के जो पायलट जो कि पाकिस्तान के कब्जे में हैं, पायलट अभिनंदन, उनके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। ये तीनों बातों का जो समीकरण बनाकर इस पर कुछ चर्चा में आज आप लोगों से कर रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुने और अगर आपको सही लगता है तो शेयर करें। सबसे पहले हमारे कुछ जो चूतिया लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पायलट साहब पकड़े गए उनके लिए कि पाकिस्तान उनको 7 दिन में छोड़ेगा। एक संधि जो हमारी शांति संधि पहले हो रखी है उसके मुताबिक युद्ध बंदियों को छोड़ना पड़ता है 7 दिन के बाद, नहीं तो हम भारत युद्ध के लिए आजाद है, ऐसा करके एक मैसेज जो चला रहे हैं। वो पता नहीं हमारे किसी घटिया राजनेता ने कहा होगा या ऐसे ही हवा में लोगों ने बना लिया। तो सबसे पहले मैं अपनी जनता को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए हमें किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। हमने अमेरिका, चाइना या किसी भी देश का कर्जा लेकर बैठे नहीं हम लोग, ना किसी के दबेल में है। भारत एक आजाद देश है, और जब कोई पड़ोसी मुल्क हमारी शांति बार बार भंग कर रहा है, इस तरह की घटनाएं कर रहा है, तो हम आजाद हैं। हम 24 आवर्स में या जब चाहे युद्ध कर सकते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान को मिटा सकते हैं यूं चुटकियों में। तो जो ये मैसेज फैला रहे हैं इस तरह, पाकिस्तान कर्जदार है चाइना का, पाकिस्तान कर्जदार है अमेरिका का, कर्जे में डूब रखा है वो देश, उसको परमिशन की जरूरत है लड़ाई लड़ने के लिए। उसकी आर्थिक स्थिति आज टूटी हुई है, उसको जरूरत है परमिशन की, हमें नहीं है। हमें कोई 7 दिन की जरूरत नहीं है। और जिस तरह ये मैसेज हमारे किसी ने भी कहा है उसको कहना चाहता हूं, या हमारे देश की सरकार को कहना चाहता हूं कि ठोस सीधे शब्दों में कहो कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके हमारे पायलट को लौटाओ, वरना हम सीधा सीधा डायरेक्ट इस बात को युद्ध के उसमें समझेंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे। यहां से दागो 2 या 4 बोफोर्स के गोले, तब सुधरेगा वो। बातों का मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान लातों का भूत नहीं है, बातों का भूत नहीं है, लातों का भूत है। उसको जब तक लात नहीं मारोगे सुधरेगा नहीं। तो जितने भी हमारे राजनेता हैं या हमारी सरकार है, उनसे मैं सीधा कहना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान को सीधे शब्दों में कहो कि अगर हमारे पायलट को कुछ किया, जिस तरह हमने हमारे 40 के बदले 400 को मारा है, और उसी तरह अगर हमारा पायलट खत्म हुआ तो आपके सैनिक नहीं बचेंगे, एक के बदले हम 1000 काटेंगे। ये हमारे जो मैंने उस लाइन के बदले बताया था। अब कुछ एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वीडियो आया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपको मैं समझाना चाहता हूं, और हाँ सॉरी, एक बात और उन्होंने कही थी कि आतंकवाद पाकिस्तान में भी लोगों को मार रहा है, आतंकवाद से पाकिस्तान भी परेशान है। तो सुनो, तुम्हारे देश के अनपढ़ लोगों को इस इन बातों में, इन ड्रामे में फंसाना, वो लोग इन बातों पर यकीन करेंगे तुम्हारी पे। तुम जितने झूठे हो, जितनी मक्कारी से ये बात कह रहे हो, उसके दो ही हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुम पाकिस्तानी आर्मी के दबाव में हो, आतंकवादियों के प्रेशर में ये वीडियो निकाला है, या फिर तुम ड्रामा कर रहे हो। कैसे मैं बताता हूं। क्या तुमने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते? हमारी जो पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए भी इमरान खान ने कहा है कि उन जवानों को जो दुख है, उसके जो उनके परिवारों को, उसके लिए आपको भी दुख है। तो अगर आपको दुख था तो भारत ने जो कार्रवाई की, जो ये 300 तुम्हारे आतंकवादी मारे, आपको तो खुश होना चाहिए था। आपकी जनता को भी खुश होना चाहिए था कि भारत ने तो वो काम किया है जो आपकी सरकार नहीं कर रही।
हमारे पुलगांव में जो जवान शहीद हुए उनके बदले में हमारी एयरफोर्स के जो 12 मिराज गए थे उन्होंने आपके सैनिकों को नहीं मारा, ना ही आपके किसी आम नागरिक को मारा, फिर आप क्यों बौखला रहे हो? हमारे उन्होंने जो ध्वस्त किया वो था बालाघाट, जो जैसे मोहम्मद का कैंप था आतंकवादियों का, उसको नष्ट किया है। जो करना तुमको चाहिए था वो हम कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हर मसले के लिए तैयार हैं, तो आपको खुद को उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, आपसे नहीं हुआ, आप प्रेशर में हो, हमें पता है, क्योंकि आप ज्यादा कुछ करोगे तो वहां की जो फौज जिस तरह तख्ता पलट करती है, वहां के जनरल जब चाहे प्रधानमंत्री को हटाकर बैठ जाते हैं, तो आप प्रेशर में हो, आप नहीं कर पाए, लेकिन वो काम हमने कर दिया, फिर क्यों घबरा रहे हो? ये हमारी आर्मी या हमारी एयरफोर्स गई वहां, उन लोगों को मारा और वापिस आ गए। फिर उसके बाद आपने फाइटर भेजने का हमारे देश में कहा कि हमने फाइटर भेज दिया ताकत दिखाने के लिए। क्यों दिखाई ताकत आपने? ताकत दिखाते तो हम आपके लाहौर में बम गिराते, आपके इस्लामाबाद में बम गिराते, पता नहीं कितने हजारों जो वो हजार हजार किलो के जो बम गिराए हैं, अगर कहीं भी आबादी के इलाके में गिराए जाते तो आपकी 50,000 से ऊपर की पॉपुलेशन मर जाती। लेकिन भारत ये नहीं चाहता, भारत युद्ध भी नहीं चाहता, भारत ने सिर्फ बदला लिया है, लेकिन आपकी हरकतों के आगे मैं कहता हूं कि हमें युद्ध भी करना पड़ेगा। जो आज हमारी कॉन्फ्रेंस जारी है, शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस होगी और हो सकता है हम आर पार के युद्ध के मूड में हैं, लेकिन पहले मैं आपका जवाब दे दूं। आपकी आर्मी बार बार अभी भी सीज फायर, अभी हम न्यूज सुन रहे हैं, अभी भी पुंछ में और राजौरी के क्षेत्र में आसपास के LOC पे आपकी फौज फायर कर रही है, तो या तो आप कह दो कि आपकी फौज आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में है, आतंकवादियों से आपके लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आप अपनी फौज को हटाए, साइड करें, हमारी इंडियन आर्मी को परमिशन दें वहां घुसने की, हम उन आतंकवादियों को हम नष्ट करेंगे। आप कहते हो कि जैसे अमेरिका ने ये किया वो किया, अरे अमेरिका क्या करेगा, हमें परमिशन दो, हम आपके वहां अंदर घुस के और जहां भी जितने भी कैंप है नष्ट करेंगे। हम कहते हैं कि आपकी आर्मी को और आपके सिविल पॉपुलेशन को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन आतंकवादियों को जैसे मोहम्मद को हम नहीं छोड़ेंगे। आप संधि चाहते हो, दूसरा हमारा पायलट जो आपके फाइटर को वापस करते हुए एक रेस हो गया, और उसको हमारा एक पायलट जो आपके वहां बंदी है, आज सभी लोगों ने देखा होगा, 3 वीडियो आपने जारी किए, पहले में आपके सिविल पॉपुलेशन उसको मार रही है, उनके खून के निशान है, आपकी आर्मी उनको जबरदस्ती लेके जा रही है, और फिर कहते हो कि आप हम युद्ध नहीं चाहते, तो आप युद्ध नहीं चाहते तो आपने उसी समय हमारे पायलट को लौटाना था, वहां मारपीट क्यों की गई उसके साथ? फिर जब यहां से धमकी गई है, मैंने कहा ना तुम बातों के भूत नहीं, आप लातों के भूत हो, जब यहां से धमकी गई है वो भी अच्छे सब मतलब ताकत में नहीं, नॉर्मली उस सपोर्ट में धमकी गई थी, उसी में तुम पलटी मार गए, फिर उनको चाय पिला के और वीडियो जारी करवाया है कि वो सेफ है। तो ये मैं पहले बता देता हूं कि हमारे अभिनंदन जी जो पायलट साहब अगर सैप नहीं लौटे हिंदुस्तान में या उनके साथ कोई ज्यादती हुई तो तुम बचोगे नहीं। इमरान खान जी, अगर आप शांति चाहते हो सही में, हमारे पायलट को जल्द से जल्द लौटाया जाए। दूसरी, आपके जितने भी इलाके में आतंकवादी कैंप चल रहे हैं वहां इंडियन आर्मी को घुसने की इजाजत दी जाए, हम उन कैंपों को ध्वस्त करेंगे, या हमारी एयरफोर्स करे, या हमारी इंडियन आर्मी करे, या हमारे और बहुत से हथकंडे हैं जिससे हम अपने आप करेंगे, लेकिन आप परमिशन दो, शांति चाहते हो तो आतंकवाद को खात्मे में हमारा साथ दो, आतंकवाद को बढ़ाओ मत। और तुम तो झूठ, तुम्हारा झूठ ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया जब तुम्हारी प्रस्ती में बैठा था छुप कर, क्या तुम्हें पता नहीं है? या तो तुम्हारी फौज अच्छी तरह ड्यूटी नहीं कर रही, या फौज का और आप लोगों का तालमेल नहीं कि आपके यहाँ हमारा जो डोन इब्राहिम है वो आपके वहां बैठा, सरेआम जैश का जो कमांडर है वो सरेआम घूमता है, आपके नेताओं से मिल रहा है, फिर आप क्या कहते हो कि हम शांति चाहते हैं? आपकी स्थिति आज पूरा वर्ल्ड जानता है, दुनिया भर का आपके ऊपर कर्जा है, कई देश आपके कर्जा मांगते हैं और आप कर्जे में डूबे पड़े हो, और वो यही इंतजार देख रहे हैं कि कब भारत उस पर कब्जा करे और वो आपके टुकड़े टुकड़े जो कर्जे होंगे वो आपकी जमीन को बांटकर वो आपका कर्जा पूरा करेगा। युद्ध हम भी नहीं चाहते, लेकिन आपकी बार बार इन घटिया हरकतों से तंग आकर रोज रोज हमारे सैनिक जो शहीद हो रहे हैं उनके
बदले की भावना या उनका जो परिवारों का हम बार बार ये कहना है कि पाकिस्तान को अब खत्म करो खत्म करो, तो तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और तुम्हारा अंत अब निश्चित है। एक बार फिर कहता हूं, हम नहीं चाहते कि आपकी सिविल पॉपुलेशन खत्म हो, हम नहीं चाहते कि आपकी सेना को मारा जाए, हम चाहते हैं सिर्फ आतंकवादियों का सफाया। या तो आप हमें परमिशन दे दो, और आप चाहते हो कि आप उनका बचाव करें, आपकी सेना उनके बीच में जाकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे, तो फिर आपके सैनिक भी मरेंगे, आपके आम पॉपुलेशन भी मरेगी, और आपके पास आज के समय ना अच्छे हथियार हैं, ना आपके पास पैसा है, और ना आपके पास इतनी फौज है जितनी हमारे पास है। आपकी फौज से ज्यादा तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, हमारा चौथा हिस्सा भी नहीं है किसी भी। आप एक परमाणु की जो बार बार सोचते हो कि हमारे पास परमाणु बम है, ये वह, आपके जितने परमाणु बम हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास रखे हुए हैं, और उनको रोकने की क्षमता यहां तक आने में नहीं दिया जाएगा आपको परमाणु को, या कैसे भी वो हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपका पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपका पाकिस्तान सलामत रहे, तो हमें परमिशन दे दो आतंकवादियों की सफाई की, शांति से रहो, शांति हम भी चाहते हैं। लेकिन ये नाटक नहीं कि एक तरफ शांति का, एक तरफ कहते हो कि हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध में भयानक परिणाम होंगे, तो वो भयानक परिणाम तो होंगे ही, जो आप वीडियो में गीत गा रहे हो, बार बार आपकी जनता को गुमराह कर रहे हो या बाकी देशों को गुमराह कर रहे हो, उनसे भीख मांग रहे हो, कभी चाइना को फोन कर रहे हो, कभी अमेरिका को कि हमें बचाओ, भारत हमें मार देगा, सिर्फ ट्रेलर था वो, भारत ने जिस दिन फिल्म चालू कर दी कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए फिर कहता हूं, शांति से रहो, जियो और जीने दो, और इन आतंकवादियों को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि इनका टिकट काटने का हमने इरादा कर लिया है। अब इनको जन्नत में, जो बोलते हो ना जन्नत नसीब, अब इनको मिट्टी तेल डालकर आग लगाएंगे और इनको यहीं धरती पर नष्ट कर देंगे, दोबारा पैदा भी नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।